जावर स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स जावेस्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स या स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि uh, उसके एग्जीक्यूशन एन्वायरमेंट को दी जाती है जावर स्क्रिप्ट केस के अंदर ब्राउजर इज अग्जीक्यूशन एनवायरमेंट यहां पर एग्जैम्पल जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कि uh, हमारे एक स्टेटमेंट पर्टिकुलर यहां पर दिए है जो कि एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करती है लाइक इन दिस केस हमें एलिमेंट कैट किया है जिसका आईडी डैमो है उसके एक पर्टिकुलर फंक्शन उसके इनर एस्टीमल के वैल्यू को हमने यहाँ पे चेंज किया है so कि जो कि कंप्लीट वर्क परफॉर्म करती है और ब्राउजर को इंफॉर्म करती है कि क्या काम करना है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स क्या होते हैं मोस्टली जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स जो होते हैं और सेट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स के मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होती है जिसके अंदर और वो मिलकर एक प्रोग्राम फॉर्म uh, करते हैं जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि हमेशा एग्जीक्यूशन जो होती है वो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट होती है कि हम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे और लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होंगे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगे हमारे पास यहां पे याद रखिये कि हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एंड होती है विदा सेमी कॉलन यहां पर हमने एक छोटा सा हमने एक प्रोग्राम मैंशन किया है बिकॉज इट एक कंप्लीट काम को कंप्लीट करता है यहां पे दो हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए और एक तीसरा वेरिएबल वे वे के अंदर उनका हमने एक अर्थमेटिक ऑपरेटर उस पर लगा के उनको ऐड करके हमने उसको एच के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट जिसकी आईडी वेल well है उसके हमने अंदर उसको डिस्प्ले कर दिया है तो दिस कंप्लीट जो है इसको हम एक चावल स्क्रिप्ट का छोटा सा प्रोग्राम कह सकते हैं रिमेंबर के सेमी कॉल जो होते हैं वो यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर सेपरेट करने के लिए एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से स्टेटमेंट कैन बी इन वन लाइन और इट कैन बी इन द सेम लाइन लेकिन एग्जीक्यूशन का हमारा जो ऑर्डर है वह हमेशा टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ही रहेगा यहां पर हमने एग्जाम्पल के अंदर हमने जितनी भी एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट हैं वो हमने विद सेपरेट की हुई है सेमी कॉलम के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करने की है कि आदर दिस और दिस बोथ वर्क द सेम वे क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट हैं वो सेपरेट है यहां भी सेमी कॉलम के साथ और ऊपर भी बट इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि हम जितनी भी हमारी स्टेटमेंट हैं उनको हमेशा सेपरेट लाइन पे रखें बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय जाबर स्क्रेप व्हाइट स्पेस जावर स्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू नहीं रखती ज्यादा हमारे पास अगर हम मल्टीपल व्हाइट स्पेसिस देंगे तो स्टेटमेंट जावर स्क्रिप्ट की जो तो है वो हमेशा उसको जब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसको इग्नोर कर देता है यहां पे हमने ये तीन डिफरेंट स्टेटमेंट दी हैं जो बाहिर डिफरेंट लगती हैं लेकिन जावेद स्क्रिप्ट के लिए एग्जीक्यूशन के टाइम पे सेम काम करती हैं बिकॉज हम यहां इतनी स्पेस दें या थोड़ी सी स्पेस दें या बिल्कुल स्पेस ना दें इन तीनों के केस के अंदर जावा स्क्रिप्ट से कोई इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और स्टेटमेंट्स के लिए वो इसको सेम ही कंसिडर करेगा कि ये तीनों के तीनों सेम स्टेटमेंट्स हैं ऑल दो अगर हम कहीं स्पेस को एज ए स्ट्रिंग लिटरल में यूज करेंगे तो वो आ, हमारे पास एज ए स्ट्रिंग जरूर यूज होगी लेकिन स्टेटमेंट में हमारे पास स्पेस विल नॉट बी कंसिडर्ड इन जावेस्क्रिप्ट बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस के हम हर एक पर्टिकुलर वेरिएबल और ऑपरेटर के गिर्द एक मिनिमम एक स्पेस जो है वो जरूर यूज करें जावेद के अंदर लाइन फ्रिक्स कैसे यूज करते हैं हम जावे जो है रिमेंबर के जब हम एक स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं हमें स्टेटमेंट एंड हमेशा करनी है सेमी कॉलन के ऊपर हम अवॉइड करते हैं नॉर्मली प्रोग्रामर्स जो हैं कि 80 करेक्टर से ज्यादा लंबी एक स्टेटमेंट ना हो मगर जिस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं इस एग्जाम्पल से कि हम अगर चाहें तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइन पे ब्रेक भी कर सकते हैं टू मेक इट मोर ह्यूमन रीडेबल लाइक यहां पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने हमारी जो स्टेटमेंट थी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाईडी इसको हमने ब्रेक कर दिया है तीन डिफरेंट लाइन्स के अंदर बट स्टिल इट वर्क सेम क्योंकि स्टेटमेंट एंड जो है वो सेमी कॉलोन पे हो रही है जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम कर्ली uh, बेसिस के अंदर किसी भी कोड ब्लॉक को मैंशन कर सकते हैं हम कोड ब्लॉक नॉर्मली यूज करते हैं सिर्फ स्पेसिफाई करने के लिए पर्टिकुलर स्टेटमेंट को उसका पेयर अप करने के लिए और स्टैंडर्डली अगर आप ज्यादातर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उनमें जब आप कोड को देखेंगे जावेद स्क्रिप्ट के कोड को तो आपको कर्ली बेसिस जो है वो सिर्फ एक फंक्शंस को सेट करने के लिए नॉर्मली यूज होते हैं ज्यादातर कि उसके ब्लॉक को या एक किसी स्टेटमेंट को कि इफ की अगर एक स्टेटमेंट है उसकी जो कंडीशन है उसको कहां से कहां तक अप्लाई करती है मगर इसको कर्ली बेसिस को आप जनरली किसी भी कोड के ब्लॉक को आइडेंटिफाई सेपरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं तो स्टैंडर्ड हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं कोड ब्लॉक डिफाइन करने के लिए वो फंक्शन के लिए होता है कि हम एक फंक्शन के साथ नेक्स्ट कोड ब्लॉक एक मेंशन कर दिया यहां पे हमने दिस इज अवर कोड ब्लॉक और उसके अंदर हमने उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि एक साथ ऑपरेट होंगी सो आई बिलीव जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट्स को किस तरह यूज करते हैं ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा